In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. और आप देख रहे हैं अब्दुल रहमान यासीन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. आज बात करेंगे शॉर्ट टिप्स एंड इन शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट. एक कम वक्त में लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह करें, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से ज़राए हैं, कहाँ कहाँ से हम गेन करके शॉर्ट टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करके और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं. ना सिर्फ अच्छे मार्क्स, चलो पासी मार्क्स ही आ जाएँ शॉर्ट टाइम के अंदर तो वो भी मंजूर है. तो मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ आप तक आती रहती हैं रहनुमाई के लिए. ये भी एक वीडियो उन तलबा और तलबात के लिए जो कि मेरी वीडियो जो है ना वो आखिर में देखेंगे, जब दो दिन रह जाएंगे, जब तीन दिन रह जाएंगे, जब चार दिन रह जाएंगे टेस्ट के अंदर, फिर वो कहेंगे हम टेस्ट तैयारी करें, तो फिर वो सर्च करेंगे तो वहाँ पर हम आ जाएंगे. जी हुजूर. सो ऐसी टिप्स आपको मैं देने जा रहा हूँ जो कि शॉर्ट टाइम के अंदर जो है ना वर्क करती हैं. अभी टाइम काफ़ी है, अभी जो वीडियो जब वीडियो अपलोड होगी तब काफ़ी टाइम होगा, लेकिन जब लोग सुनेंगे तब टाइम थोड़ा होगा. सो अब बात करते हैं. सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि 100 नंबर का पर्चा, 100 नंबर का पेपर, जिनमें से 25 मार्क्स का जो पोर्शन है वो सब्जेक्टिव है एंड अदर 75 मार्क्स का पोर्शन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव कहते हैं जिसमें एमसीक्यूज आपके आते हैं, और सब्जेक्टिव वो जिसमें आप हैंड राइटिंग ऐसे जो पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर जो है ना वो आता है वो उसे सब्जेक्टिव पोर्शन कहते हैं. मेन चीज सब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव अगर सब्जेक्टिव के अंदर आप 25 में से 20 ले लेते हैं, और लेने के ऐसे हैं दैट्स अ वेरी इजी ट्रिक्स. अगर आप वो ले लेते हैं जिनके 20 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो जाएँ, तो फिर आप जाते हैं 30 30 में से 10 नंबर उर्दू का पोर्शन है जिसमें वाहिद जमाम जकर मोनस अल्फाज मुतसल अल्फाज मुरादिफ दैट्स इट, या थोड़ी बहुत ग्रामर. अगर 10 में से 10 आप उर्दू में से ले लें तो तब भी आप 30 नंबर बन जाते हैं, और फिर रह जाते हैं आपके 65 में से 20 मार्क्स, यानी कि 20 तुक्के. अगर आप तुक्के लगा लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं. मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है. हम ये करते हैं कि हम सारे का सारा जो वक्त है वो जनरल नॉलेज के ऊपर गुजार देते हैं. अब जनरल नॉलेज तो भाई दुनिया का है, पूरी दुनिया जहाँ के अंदर बढ़ा हुआ है. आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो आप जनरल नॉलेज मुकम्मल नहीं कर सकते. तो फोकस उनके ऊपर करें जो आपको पता है कि ये चीज़ हम एक शेड्यूल बनाएं कि हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये करेंगे. तो आज आपका मैं भी बताने लगाऊँ, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से. सबसे पहले ऐसे हाउ टू राइट ऐसे. ऐसे 15 मार्क्स का है. पैटर्न जस्ट ओनली फोकस ऑन पैटर्न के लिखना कैसे है, पैटर्न क्या है, हेडिंग देनी का नहीं देनी, लेकिन मुकम्मल एक पैटर्न पता हो ऐसे का, तो तब आप ऐसे लिखते हैं भाई. अगर आप ईद ऐसे नहीं आता हो जाता ना, ऐसे नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल तीन ऐसे आगे कोई भी नहीं आता, अब क्या करें इस सिचुएशन के अंदर? सिर्फ पैटर्न फॉलो करें, जब रेलिवेंट नहीं हो तो फिर आप इरेलिवेंट लिखते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता, तीन ऐसे होते हैं कोई ना कोई, ये तो आपको आता ही होता है, नॉलेज आता है भाई. आप ये पता है आपके पास नॉलेज है, अब लिखना कैसे ये नहीं पता होता. इसकी वजह से तलबा क्या मार्क्स आते हैं 3, 2, 4 ऐसे के अंदर 15 में से. मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, अगर आप मेरा दिया हुआ पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसा भी लिखा है पैटर्न फॉलो किया हुआ है, मर के भी 10 मार्क्स आ ही जाएंगे. अगर अच्छा लिखते हैं तो 13 नंबर 16 नंबर तो पक्के हैं. जस्ट फोकस ऑन पैटर्न. ऊपर आपको आइकन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हाउ टू राइट ऐसे, क्लिक करना उसके ऊपर, पूरी वीडियो देखना ऐसे किस तरह लिखना है. आपकी सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर मैं 2-1.5 घंटों में तैयारी करवा दूंगा. आप सिर्फ वीडियोस देख लें, मैं ये वीडियो देखें उसके बाद आपको सारा समझ आती आएगी. दूसरी चीज़ पर्सनल स्टेटमेंट. अब पर्सनल स्टेटमेंट हम समझते हैं कि हमें ये लिखना है कि हम वकील क्यों बनना चाहते हैं. ये नहीं पर्सनल स्टेटमेंट आती है कि मैथोलॉजी है, ये तो नहीं आती. जो तो पहले जब टेस्ट आया था तब आती थी, अब नहीं आती. अब आती कोई आपको इशू देते हैं इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन दें. ओपिनियन किस तरह लिखना है, हमने अपना कितना लिखना है, तारुक और जो उन्होंने इशू दिया वो हमें कितना लिखना है, ये तो टोटली चेंज होती है. पर्सनल स्टेटमेंट वो नहीं आती जो पहले आती थी. हाउ टू राइट पर्सनल स्टेटमेंट, 8 या 6 मिनट का लेक्चर है. ऊपर आइकन या डिस्क्रिप्शन में लिंक, सिर्फ वो सुन लो, आपकी प्रिपरेशन पर्सनल स्टेटमेंट की भी हो जाएगी. भैया अब मैं कहूँगा जी ये पढ़ लो, ये भी ऐसे पढ़ लो, ये भी ऐसे पढ़ लो, उनमें से आए ना तो क्या करें? पैटर्न पता होगा, सिर्फ पैटर्न पता हो, लिखने का पैटर्न पता हो बस. जो भी आ जाए अगर आप पैटर्न के ऊपर लिख, आपको ऐसे आ गया पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लिखना शुरू कर देंगे, वो एक दो दिन सफ़े भर देंगे, लेकिन लिखने का पता ही नहीं है हमने, ना कोई पैराग्राफ बनाया, ना कोई उसका प्रोटोकॉल देखा, ना उसकी मेन बॉडी देखी, ना कंक्लूजन देखा, ना इंट्रोडक्शन देखा, हम लिखी जा रहे हैं तो वो समझेगा कि यार कोई थक्कर बंदा गुजारा करने आया, वो उसको ना सिर्फ 2-3 नंबर देगा, वो फारिग कर देगा. पैटर्न पता होगा, इंप्लीमेंट करोगे तो नंबर आपको ना मिले तो अब्दुल रहमान यासीन जिम्मेदार है इस चीज़ का. सो पैटर्न फॉलो करना, वो वीडियो देख लेना, मेरी पर्सनल स्टेटमेंट भी इसी तरह मेरी वीडियो ऊपर आइकन या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे वो सुन लेना, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगी. सेकंड, अब आपका 25 में से अगर आप 20 ना लें तो ये आपकी जो है ना वो ज्यादती करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये मुश्किल चीज़ नहीं है. अब आते हैं 75 मार्क्स का जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, एमसीक्यूज़ का पोर्शन है. उर्दू का पोर्शन क्या आएगा, अल्फाज मुतरादिफ़ अल्फाज मुतरादिफ़ वाहिद जमा मुज़क्कर मोनस, या बहुत ज़्यादा पूछेगा तो क्या पूछेगा, ग्रामर. ग्रामर में क्या पूछेगा, इसम मारफा इसम मारफा और इसम नकरा, सॉरी मुनकरा कह रहा हूँ, इसम नकरा और इसम मारफा, ये दो अगर पूछेगा. वैसे पूछा नहीं होता ये, पूछने अगर पूछेगा ये नहीं आती होती वैसे, मैं अब तक आई कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप मारफा नकरा कर लीजिएगा इसी डेफिनेशन. या फिर आपने क्या करना है,
आपने एक चीज़ और कर लेनी, ये कलम मेरा है, ये कलम मेरी है, मेरा है या मेरी है, ये आएगा। इसके ऊपर किताब है मेरी abdulrahmanfoundation.com, गूगल के ऊपर लिखें, मेरी पहली वेबसाइट आई, क्लिक करें, नीचे लेटर्स का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, किताब डाउनलोड करें, उर्दू का पोर्शन खोलें और पढ़ लें। ये बड़ी सी इजी चीज़ें हैं, अल्फाज मुजा अल्फाज मुजाती मुजाफी जमा मुजक्कर मौजूद है, तो प्रेप क्लास पढ़ते आ रहे हैं, अगर इसमें आप नंबर नहीं लेते तो आप जाती करते हैं, 10 में 10 मार्क्स हासिल करें इसमें से, मैं कहता हूँ नौ हासिल कर लो, आपके जो है ना वो 35 मार्क्स तो गए, इनमें 35 में से आप 30 ईजीली ले सकते हो, क्योंकि अब चीज़ें बड़ी ईजी बताइए। उसके बाद प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट पता होगा दुनिया जहाँ से, वो पूछ ले आपको आ जाएगा, 4-5 मिनट की वीडियो या 3 वीडियो मेरी प्रेपोजिशन के ऊपर, वो सुन लेना, प्रेपोजिशन अभी कवर हो जाएगी, ऊपर लिंक मिल जाएगा या नीचे लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको प्लेलिस्ट खोल लें आप प्रेपोजिशन ऑफ लार्ड मिनट्स बाय अब्दुलरहमान यासीन, 3 वीडियो हैं वो भी कर लेना, वो भी कवर हो जाएगा। पाकिस्तान स्टडी से क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान, अब तक कितने गवर्नर जनरल रहे, वो उनका नाम कौन कौन सा जो है ना वो अपना अब तक प्राइम मिनिस्टर रहा, कौन प्रेसिडेंट रहा, सारे नाम पढ़ लेना, कितनी दफ़ा मार्शल लॉ लगी, किसने लगाई मार्शल लॉ, सारे नाम पढ़ लेना, मोटी मोटी चीज़ें डेप्थ नहीं, मोटी मोटी चीज़ें पढ़ लेना, आपका स्टडी क्लियर हो जाएगी। इस्लाम में क्या करें, हदीस का टॉपिक पढ़ लें, व्हाट इज़ हदीस, टाइप ऑफ हदीस, हदीस जो आप सल्लम फरमाएं, जो आप सल्लम के सामने किया जाए, या जो आप सल्लम खुद करें, हदीस है गरीब हदीस, मतवातर हदीस, गैर मुस्तनद हदीस, मुस्तनद हदीस, ये चीज़ें पढ़ लेना, किताब के अंदर मौजूद है मेरी, तो वो भी आपका इस्लाम में, और बेसिक नॉलेज ऑफ कुरान, बोसी बेसिक कितने अरसे में नाजिल हुआ, किस पर नाजिल हुआ, कैसे कैसे नाजिल हुआ, ईजीली नरेटर कौन है, रावी किसे कहते हैं, हदीस की सनद क्या होती है, दैट्स इट, सफर ताइफ या जो पहली पहली जो शख्सियात हैं, किसने इस्लाम किसने कितनी कोलेब्रेशन की, कौन पहले शहीद हुआ, बच्चों में से कौन पहले शहीद हुआ, पहले इस्लाम किसने बच्चों में कबूल किया, घरों में किसने कबूल किया, औरतों में किसने, छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेना, दैट्स इट। कोई मैं क्योंकि इतना मुश्किल होता नहीं जिसमें हम बना लेते हैं, पता नहीं हमें पता ही नहीं होता करना क्या है, दैट ये वजह सारी। उसके बाद 10 नंबर की प्रेपोजिशन, 10 नंबर की सिनोनिम और एंटोनियम्स, ये सिनोनिम और एंटोनियम्स ये रट्टा है, ये रट्टा है, सिनोनिम्स और रट्टा है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि लर्निंग बेस होती है, ठीक है, तो ये आपने लर्न करना है, किताब के अंदर मौजूदा कर लेना। उसके बाद आपका जो पोर्शन उर्दू भी हो गया आपका, मैंने आपको जनरल नॉलेज, अब जो जनरल नॉलेज है ना, 20 नंबर का जनरल नॉलेज, 10 में से आएगा आपका करंट अफेयर, इस टाइम तुर्की का सदर कौन है, इस टाइम अमेरिका का सदर कौन है, इस टाइम पाकिस्तान का सदर कौन है, चीफ ऑफ आर्मी कौन है, कौन किसी का पे क्या है, पाकिस्तान के जितने भी कैपिटल हैं दुनिया के अंदर, जितने ममालिक हैं उन ममालिक जो कैपिटल्स हैं, कजाकिस्तान का बिश्केक, किर्गिस्तान का, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, या जितने भी जो है ना कैपिटल्स, वो आपने याद कर लेने हैं, किस टाइम कौन कौन किसी मुल्क का जो है वो प्रेसिडेंट है वो याद कर लेना है, प्राइम मिनिस्टर को याद कर लेना है, कवर कवर करंट से फिर आप भी हो जाएंगे। उसके अलावा आप जो है ना वो जनरल नॉलेज की, तो मैं कुछ 10 नंबर का जनरल नॉलेज होगा वो मैं कुछ नहीं कह सकता, होता है 20 नंबर का जनरल नॉलेज है, लेकिन 10 नंबर के करंट अफेयर होते हैं, जो जनरल नॉलेज है वो दुनिया से आएगा, पूरी दुनिया जहाँ से, उसके अंदर मैं कुछ कह नहीं सकता आपको, ना कुछ कर सकते हैं, जो मिलता है पढ़ लो। उसके बाद मैथ है, 5 नंबर क्या छोड़ देना, मैंने जब मैथ ऐसे नहीं किया था, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने तो मैथ तो की लेन देनी मुझे नहीं आती मैथ की, तो मैंने तो मैथ के बगैर पास हुआ था, लेकिन मैं मैथ रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो मैथ का पोर्शन है मेरी बुक के अंदर, वो मेरी एक टीम के एक्सपर्ट बंदे ने मैथ का पोर्शन डाला हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन आती है, मॉडिफिकेशन आती है, आपकी जो है अलजबरा नहीं आता, प्लस माइनस डिवाइड डिवीजन के क्वेश्चन, इस तरह के सवाल आते हैं, तो एक्सपोर्टेशन और इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं, ये भी 5 नंबर का मैथ जो है ना वो ईजीली मैथ होता है, ईजीली मैथ छोड़ भी हो तो मसला कोई नहीं है वैसे, लेकिन आप कर लेना, ठीक है। 20 नंबर का जनरल नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि 10 नंबर का जनरल नॉलेज होगा, 10 नंबर का करंट अफेयर होगा, मिला के 20 नंबर का पोर्शन होगा, तो 20 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन होगा, 10 में से 10 नंबर के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे, और 10 नंबर की प्रेपोजिशन होगी, ये प्रेपोजिशन में 3 लेक्चर सुन लेना कवर हो जाएगा, 40 नंबर ये हो गए, 10 नंबर का इस्लाम याद मैंने बता दिया, 10 नंबर की पास स्टडी मैंने बता दी, उसके बाद जो है ना वो ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में बताया, पास स्टडी का जो पोर्शन है मैंने आपको बता दिया कैसे होना है, और उसके बाद अपना जो जर्न है अपना मैथ, उसको मैंने बता दिया, बुक में से पढ़ लेना मुश्किल नहीं है इतना, पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे आप पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे कर लें, साथ उर्दू का पोर्शन कर लें, ठीक है। इसके अलावा तुक्के भी तो लगने ही है ना आपके, तुक्के भी तो लगने ही है ना आपके कम से कम। उसके अलावा करंट से फेयर पढ़ लो, ठीक है, थोड़े बहुत करंट से फेयर, अगर शॉर्ट टाइम है मेरे पास, अगर टाइम है तो फिर पढ़ो सारे, शॉर्ट टाइम है तो करंट से फेयर पढ़ लो साथ। इसके अलावा इस्लाम में आकर जो है ना वो मेरी बुक से पढ़, मेरी बुक से पढ़ के चले जाओ, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, आपका आप ये टेस्ट से नहीं रहते, आप टेस्ट मतलब जितने भी आते हैं ना मेरे पास हमारी वीडियो से, जो उनमें से 90% लोग तो पास हो गए होते हैं, फिर 90% में से 70% ऐसे लोग होते हैं जो जिनके नंबर 80 से 90 के दरमियान होते हैं, आप कमेंट्स पढ़ लिया करें, ठीक है। तो ये सारा फिलोसफी है,
हर चीज़ के ऊपर मेरा लेक्चर मौजूद है, सिर्फ आप लिखें साथ लिखें बाय अब्दुल रहमान यासीन, प्रपोजिशन बाय अब्दुल रहमान यासीन, इस्लामिक पोर्शन ऑफ लॉर्ड मिशन बाय अब्दुल रहमान यासीन, मैथ बाय मुबीन अहमद, ठीक है, प्रपोजिशन बाय अब्दुल रहमान यासीन, मेरा नाम लिखे, जो 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 सब्जेक्ट है ना लैट का वो लिख जाओ, दैट्स इट, आपका कवर हो जाएगा। 2 घंटे आप यूट्यूब पर बैठोगे, 2 घंटे यूट्यूब पर बैठ के मेरी वीडियो देखो, तैयारी हो जाएगी। इसी के साथ में दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इलल बलाग, थैंक यू।